वन। नमस्कार, मैं जय श्याम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ठियोग कुमारसेन मंडल। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अभी मैं फ्राइल गांव में हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि थोड़ी देर में चुनाव प्रचार बंद होने वाला है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का जिन्होंने मुझे चुनाव के मैदान में उतारा। मैं बहुत धन्यवादी हूं कि एक गरीब परिवार के, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और जब ये मुझे टिकट मिला और मैंने 21 तारीख को नामांकन किया तो मैंने ये एक बात कही कि ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट ठियोग के 87,000 मतदाताओं को मैं समर्पित कर रहा हूँ। और ठियोग की जनता ने भी इसे अपना टिकट माना। और ये जो मेरा सफ़र था, ये मेरा सफ़र ना होकर के हमारा हो गया, ये मेरा सफर हमारा हो गया। हर आदमी ठियोग कुमारसेन का जय श्याम है, यही इस चुनाव में एक नारा हो गया। इसके लिए मैं ठियोग की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ठियोग के एक एक व्यक्ति ने मेरे साथ चलकर इस चुनाव में साथ दिया। हजारों का कारवा साथ चला, नुक्कड़ सभाएं हो, गांव की सभाएं हो, हमारे साथी सुबह मेरे साथ खड़े हो जाते थे, घर से अकेला निकलता था, सैकड़ों लोग साथ चलते थे। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस जन आंदोलन में अपना साथ निभाया है। और जो जनता ने, मैं संपूर्ण जीवन में इनका ऋण नहीं उतार पाऊंगा और मैं ठियोग कुमारसेन के लोगों का आजीवन ऋण नहीं उतार पाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव में हमने जिस मर्यादा के साथ चुनाव प्रचार किया है, दिन के उजाले में चुनाव प्रचार किया है, उसमें जो परिवारवाद और पूंजीवाद वाले लोग हैं, जो रात के उजाले में अपने लिए भविष्य खोजते हैं, उनको ठियोग कुमारसेन की जनता ने करारा जवाब दिया है कि ठियोग कुमारसेन की जनता एक गरीब बेटे के साथ चल पड़ी है। और मेरी जो विजय होगी वो मेरी विजय नहीं, वो जनता की विजय होगी, क्योंकि आज जनता एक गरीब आदमी के बेटे के साथ ठियोग कुमारसेन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए खड़ी हुई है। ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, उसमें ठियोग कुमारसेन भी इस बार पीछे नहीं रहना चाहता बल्कि सत्ता में अपनी भागीदारी करना चाहता है। इसलिए ठियोग के हजारों कार्यकर्ता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। माननीय आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी की जो रैली भव्य हुई 8 तारीख को, उसमें हजारों की भीड़ ने यह बता दिया कि ठियोग कुमारसेन एक गरीब के साथ स्वाभिमान और विकास की यात्रा पर चल पड़ा है। मुझे 12-14 दिनों का चुनाव प्रचार का समय मिला। मुझे खेद है कि मैं हर घर द्वार तक नहीं पहुंच पाया। मैं ठियोग कुमारसेन निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं और निवासियों से निवेदन करता हूं कि मैं आप तक जान नहीं पहुंच पाया हूं। वहां मेरा दृष्टिपत्र, एक विजन पत्र जरूर पहुंचा होगा और मेरे साथी सहयोगी, स्कूल टाइम से, बाल्यकाल से मेरे सहयोगी मित्र, कई अन्य क्षेत्रों में मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया, उन तक पहुंच भी नहीं पाया कम समय में। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आपकी मुझे सूचना मिली है कि आप अपने आप से चुनाव प्रचार में लगे हैं, आप मेरा साथ इसी तरह से दें, हम जल्दी से बात करेंगे और इस जन आंदोलन में आप सहभागी बने। मैं ठियोग वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि नहीं कर पाया, उन तक पहुंच भी नहीं पाया कम समय में। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आपकी मुझे सूचना मिली है कि आप अपने आप से चुनाव प्रचार में लगे हैं, आप मेरा साथ इसी तरह से दें, हम जल्दी से बात करेंगे और इस जन आंदोलन में आप सहभागी बने। मैं ठियोग वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रूरल कनेक्टिविटी, पर्यटन, इन सब क्षेत्रों में हम विकास की एक अविरत धारा को लाएंगे और निश्चित तौर पर जमीन पर रह करके काम करेंगे। और साथ ही हम जो है ठियोग कुमारसेन निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न प्रतिभाओं के साथ समन्वय करके, विभिन्न प्रोफेशनल्स के साथ, हमारे जो अनेकों क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स हैं, सिविल सर्विसेज में लोग हैं, बहुत जो प्रतिभाएं हैं ठियोग क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उन सब के साथ मिलकर के ठियोग के लिए एक ऐसा विजन बनाएंगे जिसमें ठियोग आगे बढ़े। हम ठियोग को चाहते हैं कि ठियोग कुमारसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, हमारा कोटगढ़ सांगरी का क्षेत्र, हमारा समूचा ठियोग कुमारसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास के मामले में अव्वल बने, इसके लिए काम करेंगे। इसलिए ये जो बाकी का एक दिन बचा है, इसमें मेरा सभी से निवेदन है कि जिस तरह से आपने मुझे इस पूरे चुनाव प्रचार में आशीर्वाद दिया है, आप इन 1-2 दिनों में भी अपने व्यक्तिगत संपर्क के साथ इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भाजपा को विजय बनाने के लिए कोई कोर कसर न छोड़े। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।